आप देख रहे हैं HCN News। INX मीडिया केस में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर ली है। चार्जशीट इस महीने के तीसरे हफ्ते में दाखिल किया जा सकता है। अगर CBI चार्जशीट दाखिल करती है तो चिदम्बरम को जमानत मिलने की संभावना कम हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक हिरासत के दौरान चिदम्बरम से 100 घंटे में 450 सवाल पूछे गए थे, जो ज्यादातर FIPB क्लियरेंस और कार्ति चिदम्बरम से संबंधित थे। इस दौरान चिदम्बरम का सामना सिंधु श्री खुल्लर और प्रबोक सक्सेना समेत 5 व्यक्तियों से कराया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस केस में CBI 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लाने की तैयारी कर रही है, जिनमें कुछ कंपनियों के नाम भी शामिल है। कस्टडी के दौरान चिदम्बरम से 100 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई, जिसमें FIPB मंजूरी से लेकर कार्तिक की तरफ से अन्य आरोपियों को किए गए ईमेल्स के बारे में सवाल पूछे गए थे। पूर्व गृह मंत्री चिदम्बरम फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है और उन्हें दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में 14 दिन की न्यायिक हिरासत के लिए भेजा गया है। चिदम्बरम 5 सितंबर को तिहाड़ भेजे गए थे और 19 सितंबर तक उन्हें हिरासत में रखा जाएगा। इससे पहले CBI उन्हें रिमांड पर रख चुकी है। इस दौरान उनसे कई बार पूछताछ भी की गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान CBI ने पी चिदम्बरम को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की थी, लेकिन तब उनके वकील कपिल सिब्बल की ओर से दलील दी गई थी कि एजेंसी ने पूर्व वित्त मंत्री को 15 दिन के लिए हिरासत में रखा था, लेकिन कोई सबूत पेश नहीं किया। बावजूद इसके कोर्ट ने चिदम्बरम को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेज दिया गया। CBI पहले से ही पूर्व वित्त मंत्री चिदम्बरम के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा करती रही है। एजेंसी का कहना है कि पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति ने INX मीडिया की मदद की। FIPB के मंजूरी के लिए INX मीडिया ने ASCPL और अन्य कंपनियों को जिनेवा, अमेरिका और सिंगापुर के बैंकों से भुगतान किया। जांच से बरामद हुए दस्तावेजों और ईमेल से जाहिर होता है कि पैसे का भुगतान FIPB के मंजूरी के लिए दिया गया। पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को लेकर दर्शक इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जो दर्शक हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं, वो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें HCN News। धन्यवाद।